हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो सभी की सभी, मैं भी अच्छा हूँ यार। और आ गया हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो मैं आज खेल रहा हूँ पैलेस ऑन द हिल। तो भाई आज हम इस गेम को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? तो चलो करते हैं भाई। और ये क्या, ये गाइस इसकी गाइस डिग्री है मैथ एसटीईआरटी की। और भाई ये हिंदी और इंडियन गेम है, इसलिए ये क्या मिला मुझे। मैं गाइस पहली बार तो मैं सबसे पहली बार खेल रहा हूँ। और ये मुझे ये बताना कि गाइस ये एक विलेज की गेम है, मतलब एक टाइप की विलेज। और आप भी क्या विलेज से हो या फिर सिटी से, मुझे ज़रूर बताना। तो इधर भी कुछ रखा है, मैं इधर एक गाइस इसको पेंडिंग का अवार्ड मिला है। तो भाई चलो गेम में अब चलते हैं, मिलते हैं फिर। तो भाई हम बाहर आ चुके हैं। और गाइस ये कोई है, ओ भाई इसके पापा है। टैप करो इंटरेक्ट करने के लिए। क्या यार हिंदी लैंग्वेज है। वीर, अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए तुम? अच्छा तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हैं। बेटा एक बात करनी है तुमसे, इसके पापा बोल रहे हैं इस साल हमारी फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी कर्जा चढ़ गया है। मैं गाइस आपको पूरा पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब भाई इसे सीट दे दी, अब मैं बताता हूँ क्या करना है मुझे। बाय। तो भाई इससे वो बोल रहे हैं कि गाइस इसके गाइस जो ये है, रहता है ये, मतलब वीर है इसका लड़के का नाम। और इसके पापा का नाम पता नहीं गाइस, लेकिन इसके पास जा रहा हूँ तो इसका फादर लिख रहा है, इसलिए इसका फादर ही बुलाते हैं। इसका फादर तो गाइस बहुत कर्जा हुआ है, और ये ना ये बहुत गरीब हो चुके, कर्जा से कर्जा से चढ़ गया है। तो भाई अभी ये लोग ना खेती करके अपना पैसे का जुगाड़ करेंगे। तो भाई अगर ये गेम मुझे सही से समझ आएगी तो मैं पार्ट टू जगह ज़रूर खेलूँगा। पार्ट टू मतलब, क्योंकि बहुत लंबी गेम है, 1 घंटे की पूरी गेम, 1 आवर लगेगा इसको कम्प्लीट करने में। और पर टाइमर मेरा देख ही सकते हो 2:15 हो रहा है, तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा मेरे गाइस। ये 15 मिनट्स की वीडियो शायद बन जाएगी है। तो भाई अगर वीडियो पूरी वॉच नहीं की तो यार गलत बात रहेगी, पार्ट टू नहीं बनाऊंगा यार फिर। तो भाई हमारा ये क्या लिखा है, खेती सीखो। बगीचे में 2 टमाटर बीज बो, पौधों में पानी डालो, काम ढूंढो, बाजार में सैम को मिलो। भाई पहले हम लोग यहाँ बीज लगा देते हैं। ये देखो जो हमारे पापा ने हमारे को सीड्स दिए थे उनको लगा देते हैं, फिर उसके बाद ये पानी डाल देते हैं। और पानी बोल रहा है हैंडपम्प गाइस, यही गाइस यही आसपास ही है। तो गाइस उसको भी देखते हैं गाइस हैंडपम्प कहाँ है, और उसको लगाते हैं। तो इसको मैंने लगा दिया है और इस पर पानी देने को बोल रहा है। तो मुझे पता है हैंडपम्प कहाँ है, ये रहा गाइस हैंडपम्प। और इस पर गाइस न्यू हैंडपम्प के पास आता है, इसके पास कुछ और ही न्यू, मतलब गाइस इसको हमें शायद लगना कलर करना होगा, मुझे यही लग रहा है। और गाइस एकदम रिलैक्सिंग सी गाइस वो चल रहा है। और गाइस हम पानी निकालते हैं, टैप करो बार बार पंप चलाने के लिए। गाइस मुझे पंप चलाना मतलब इंडियन स्टाइल में ही है, जैसे हम लोग करते हैं। लो भाई भरो, भर गया। चलो गाइस अब लोग इस पर डाल देते हैं पानी। तो भाई डाल दिए एक पौधे में, और दूसरा वो इतनी जल्दी उग गए, इतनी जल्दी उगने लगे। तो भाई मैं तो लूट लूँगा, मैं ही फार्मर बनने चला। भाई यूट्यूब छोड़ो, अच्छा पापा कुछ करने को बुला रहा है। शाबाश, हम बाजार में शाम को मिलो, वो तुमको काम देगा। भाई चलो और इधर देख लेते हैं, ओ भाई अंडे है, चलो अंडे ले लेते हैं। अंडे पता नहीं किस काम के होंगे, शायद कोई मांग ले हमसे अंडे की दुकान, इस हम खोल के बैठ जाएं। अभी तो हम पे कर्जा है तो अंडे की दुकान नहीं खोलेंगे वैसे। और ये पता नहीं क्या है, रुकिए मैं बताता हूँ आपको। इंडियन क्रश सीड्स हैं ये, और पहले इधर चलते हैं। ये लोग कौन है भाई, मिलते हैं यार। ओ भाई आप कौन हो आंटी जी? आंटी जी ना गाइस गीली मिट्टी से आपको पता ही होगा, विलेज लाइफ में जिए हो तो गाइस जो मिट्टी मटके वटके ऐसे होते हैं ना, वो सब आंटी बना रही हैं। और वीर, ये भी जानती है वीर को। भाई क्या है यार, वीर पूरी पहचान बना कर का है, काफ़ी समय बाद तुम नहीं दिखे, पढ़ाई में बिजी हो गए। भाई आंटी को नहीं पता पढ़ाई में वीर कितना ज़्यादा भयंकर अच्छा है। भाई पढ़ाई क्या, पढ़ाई तो भाड़ में गई। वो ना गाइस पेंटिंग में अच्छा है, ये बोले ना राज इसके हस्बैंड का नाम है। हमारी दुकान पे आपका स्वागत है, कुछ भी टूटा फूटा ठीक करवाने के लिए मेरे पास लाओ। बाय। तो चलो भाई अभी मेरे पास कुछ टूटा फूटा नहीं। और गाइस हम लोग इन्वेंट्री देख लेते हैं
इन्वेंटरी में हमारे कुछ खास नहीं है। हम इसी टीम का हमें कुछ बनाना होगा शायद से। हमें इस सिटी में गाइस बिलियनियर बनना है। बिलियनियर तो नहीं, कुछ और ही बनना होगा। तो भाई चलो देख लेते हैं और क्या क्या है। और ऊपर देख सकते हो ये गाइस डे से नाइट का गाइस एक टाइमर चल रहा है। वो भी टाइमर हमें रात तक हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। और ये आंटी कौन है भाई, इसका नाम क्या है? माया। माया, ओ ये खराब छुरी मेरे सर पर चढ़ रही है मेरी। मैं गाइस पूरा पहले मेंटेन कर लेता हूँ। तो भाई ये बोलनी है इनकी गाइस ना एक छुरी है जो माया की मतलब मारा माया की छुरी है। और एक ना झील पे एक आदमी है जिसने इनकी छुरी ले रखी है। भाई हमें वही छुरी लेके आनी है। तो बस चलो लेके आते हैं और क्या। अरे आंटी जी से मिल लेते। सरिता भाभी, नमस्ते सरिता भाभी जी, कैसे हो? भाभी जी घर पर हैं। सीरियल का नेक्स्ट एपिसोड सीजन 2 भी आने वाला है। तो ये सरिता भाभी बोल रही है पालक के बीज हो तो हमको देना, तो मैं आपको बहुत अच्छे खासे पैसे दूंगा। और ये रहा हमारा प्यारा सैम। ये किसकी? ये हमारे तक हमारे भाई बाल कटाने वाली दुकान की है। फिर ये सोनार की दुकान है, पता नहीं गाइस। और इसने गाइस देवी के लिए गिफ्ट भेजा है। देवी का हस्बैंड है क्या तू? देवी का हस्बैंड तो विदेशी है। और ये देवी जी, ये जय देवी जी, नमस्ते देवी जी, कैसे हो? भाई देवी जी से बात चलते हैं। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? मैं इससे पहले बात कर लेता हूँ, आप एक सेकंड स्किप करता हूँ। तो भाई ये ना इन्होंने मुझे 50 रुपये दिए और इन्होंने बोला मुझे काली चाय चाहिए, काली चाय बनाओ, तभी गाइस हम ये हमें दुकान पे रखेंगे। ये मतलब एक टाइप का टेस्ट ले रही है कि हम कर पाते कि नहीं। हम पहले यहाँ से ले लेते हैं और इधर देखते हैं इधर क्या क्या है। और ये चाचा जी क्या कर रहे हैं? रस्त्यम, ये कैसा नाम है भाई? इनको मैं पे एक बार स्किप करता हूँ, बाय बाय करता हूँ उनसे। भाई इन्होंने बोला अगर कुछ भी सेल करने को हो तो मुझे देना, मतलब कुछ भी हम इन्हें भेज सकते हैं। तो भाई मेरे पास ना कुछ भी सामान है, मैं इनको कुछ भी दे देता हूँ, भेज देता हूँ इनको। ये ले भेज दिया भाई, हमें पैसे मिल गए इनकी जगह 5-5 रुपये की है, लेकिन 5 रुपये बहुत है। और इधर कोई नहीं है अब तो गाइस। चलो हम झील के किनारे, झील गाइस शायद मुझे लगता है ना हमारे घर की ओर से ही कहीं से झील जाता है, इसलिए गाइस मैं अपने घर की ओर चलता हूँ। और गाइस घंटे की आवाज़ पता नहीं गाइस इस गेम से आ रही है, पता नहीं गाइस क्या है। और मैं गाइस आइटम्स कलेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे गाइस पहले अभी तो गेम ऐसे ही सीख रहा हूँ मैं। जब गाइस सीख लेंगे ना गाइस गेम, तब गाइस हम लोग इस गेम का फुल गेम प्ले भी करेंगे। अगर इस गेम में एंडिंग होगी तो मैं ज़रूर फुल गेम प्ले करूँगा। पहले हम चलते हैं, इधर किनारे आ चुका हूँ। और ये देखो यहाँ बैठा है हमारा, का नाम भी मैंने नहीं पढ़ा, ये कुछ बता रहा है। ये ने हमें छुरी दी है, बोल रहा है माया की छुरी दे भाई, वो भाई मारा गया माया की छुरी दे, बोल रहा है कि माया की छुरी अभी मैंने उसने मुझे दी है और बोल रहा है कि जाओ उसे ठीक कर दे, बुरे को टूट फूट गई है। तो भाई चलो मुझे पता है राजू के पास एक राज नाम का व्यक्ति है, उसी के पास जाते हैं और उसी से हम ठीक करवा लेंगे और क्या। सर गाइस थोड़ा वो कनेक्टर काम नहीं कर रहा था, एक सेकंड गाइस, अब चलते हैं गाइस। तो भाई हम आ चुके हैं राजू के पास। राज नाम है भाई, मैं इसका नाम क्यों बिगाड़ना हूँ। माया की छुरी ले भाई, ठीक कर। माया की छुरी इसने दे दी है बिल्कुल तरीके से, अब हम चलते हैं भाई, ले दे भाई। तो भाई हम माया को छुरी दे देते हैं जिससे हमारा गाइस वो मर्डर कर सके। मजाक कर रहा हूँ, हमारा मर्डर वर्डर नहीं, वो फिश की कटिंग कर सके जिससे वो मीट बना, रॉ मीट बना के फिश का बेच सके और खुद की कमाई कर सके। ऐसे हम मैं नॉन वेजिटेरियन, मतलब मैं ये सब नहीं खाता हूँ। तो भाई इसकी हमने छुरी ठीक की, तो ये भाई ये हमें फिश दे रही है। और भाई ये बोल रही है कि जाओ वहाँ पर पैसे हैं ना पालक खरीदने को, इसने बोला है। तो हमने कहा पालक खरीद लेते हैं पहले, इसके बाद प्रकाश प्रोजीनियन के नाम पालक के बीज देने हैं मुझे 2 पीस आंटी। तो भाई 2 पीस दे दे। तो भाई दे लिए मैंने 2 पीस, अब 20 रुपये मेरे कट गए। वाह ये गया है गवर्नमेंट स्कूलों को, क्योंकि गाइस ये अब पता ही है विलेज है तो गवर्नमेंट स्कूल है ये, मुझे लगता है ये प्राइवेट भी हो सकता है। दरवाज़ा पे ताला है। और इधर चलते हैं भाई, ये क्या है? ये भी लॉक है और इधर कुछ नहीं है। चलो गाइस ये गाइस, और ये क्रिकेट लगता है यहाँ खेला जाता है।
और ये ऊपर जा सकता हूँ? नहीं, इधर भी नहीं जा सकता। चलो भाई स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। चलो भाई हम चलते हैं यार देवी के लिए काली चाय बनाने। और पहली बात तो उसने बोला है सर था कि दुकान से मैंने दो बीज खरीदे थे ना, पहले उसका मैं काम करता हूँ, अपने खेत में जाके उसको बो देता हूँ, जिससे गाय उस पर गाय ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ होगी और उसको बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सके। तो पहले बीज लगा देते हैं, ये रही हमारी, इधर लगा देते हैं। तो भाई ये हमारा लग चुका है, पानी डाल देता हूँ, एक रुकिए, पानी नहीं है क्या मेरे पास? नहीं है लगता है भाई, है। तो उधर क्यों जा रहा था बे? तो भाई उधर बीज लगा देता हूँ और एक। तो भाई इधर बीज लग चुकी है, पानी खत्म हो गया लगता है मेरे पास, तो वापस जाना पड़ेगा। चलो भाई हैंडपम्प बंद निकलता हूँ। भाई रात होने वाली है, आप टाइमर देख सकते हो, शायद रात होने वाली है। हाँ मुझे लगता है रात होने वाली, क्योंकि भाई टाइमर धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है तो चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से। तो भाई अब नेक्स्ट हमारा टास्क है लता से मिट्टी के बर्तन लो। लता से मिट्टी के बर्तन लेते हैं। चलो भाई लता ये रही हमारी आंटी जी, मिट्टी के बर्तन दे दोगे? हमको बर्तन चाहिए। तो ये बोल रही है, बहन जी बोल रही है, हमें हमें ना खिसकती हुई गीली मिट्टी चाहिए इनको। मैं कहाँ से लाऊँ भाई, कहाँ से गीली मिट्टी लाऊँ? मुझे मैं भाई पहली ट्राई आपको बोल दिया था, मैंने पहली फर्स्ट बहुत टाइम खेलना गेम को, मुझे कुछ नहीं पता। और ये हाँ पता नहीं मुझे। और गाय चलो वो भाई ये क्या है? अच्छा बैल बैठी मुझे कुछ। तो भाई एक बार यहाँ से इस रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि मैंने सारे रास्ते एक्सप्लोर नहीं किए। इधर ये इसकी दुकान में घुस सकता हूँ? नहीं घुस सकता, चोरी कर लेते हैं यार कुछ। इधर कहीं जा नहीं सकते गाय। जब मैं इस गेम को गाय डाउनलोड कर रहा था ना, नीचे का इसके मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, इसमें का हिंदी में लिखा था कि आप पुरानी किले का रहस्य भी जान सकते हो इस गेम में, और खंडहर होगा कहीं। और लगता है मुझे ना यही रास्ता है, इस रात को शायद ये बैल हट जाती होगी या फिर कभी और, इससे हम ऊपर जा सकते हैं। मुझे नहीं पता गाइस इस गेम में ऐसा क्या क्या इसमें बोलते हैं, मुझे नहीं पता है कुछ इस गेम के बारे में अभी के लिए। तो भाई इसका नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। और गाइस पहली बात तो एक मुझे आपसे बात पूछनी थी गाइस। एक बार मैंने पापा पिज़्ज़ा एरिया का रोब्लॉक्स गेम था, आपको पता ही होगा, मैंने एक बार ट्राई किया था, मतलब फुल गेम के लिए उसका नहीं किया था, पार्ट वन मैंने रिलीज़ किया था लास्ट दिसंबर के टाइम पे या फिर। तो यार उसका पार्ट टू नहीं बनाया था मैंने, क्या मुझे उसको दोबारा खेलना चाहिए? कमेंट यार करना, मैं गाइस उसको पार्ट टू में ज़रूर लाऊंगा। क्योंकि गाइस अभी मैंने अपनी पुरानी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था और देखा कि गाइस बहुत टाइम हो गया मैंने इसको पार्ट टू नहीं लाया है। तो भाई अब बस वही की बारी है, नेक्स्ट वीडियो शायद वही के बारे में होगा। तो यहाँ देख लेता हूँ ये क्या है, एक फॉरेस्ट टाइप का है। अरे भाई जाने देगा? बालदेव जी जाने दो, नहीं तो बहुत मारूंगा। भाई बोल रहा है परमिशन लो पहले गवर्नमेंट, तब जाने दूंगा, नहीं तो ये बोल रहा है हमारे पापा शिकायत कर देगा। पापा को भी जानता है वीर, तो वीर के पापा शिकायत करेगा। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या है? तो गेट बंद है। तो भाई मुझे इस गेम में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो गाइस इस गेम का भी मैं कुछ नहीं जानता। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊंगा इसका। तो गुड बाय।